हमारी कॉर्डोन क्या है? जैसे सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे, पहले किसी संज्ञा अर्थात प्राणी वस्तु या स्थान के नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है तो कल भी इसे पढ़ेगा, यानी आज पढ़ रहा है लेकिन वो जो है वो उसके लिए आया है, इसके लिए आया है वो पढ़ने के लिए, वो किसके लिए आया है? राम पुस्तक पढ़ता है वो कल भी इसे पढ़ेगा। कल भी क्या करेगा? पढ़ेगा, हाँ इसे पढ़ेगा। जैसे आरती ने कहा कि वो बाजार जा रही है, हट जाइए थोड़ा सा, ने कहा थोड़ा सा हट जाइए, कहाँ जा रही है? बाजार, बाजार जा रही है। तो वो जो है वो क्या है? सर्वनाम है। और राम पुस्तक पढ़ता है वो कल भी पढ़ेगा, यानी कल के लिए जो है, कल के लिए वो जो आया है वो यानी कल पढ़ेगा, यानी वो जो है वो मैम थोड़ा सा हट जाइए, सर्वनाम है। आ गया समझ में? यस मैम। अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषण। मैम इधर खट जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा मैम, थोड़ा 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 सा। विशेषण, विशेषण में क्या है? मैम जी एक बार, अरे ऑनलाइन है, चलो लाइव है, चलो थे विशेषण देखिए। वो शब्द जो किसी की अच्छाई बुराई गुण या दोष को प्रकट करता है, वो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली सर्वनाम की। यस मैम। यस मैम। अब देखिए विशेषण मिल चुके हैं, जैसे वह, मैं, तुम, यह शब्दों आदि, वह, मैं, तुम, जैसे लिख कहा है, नहीं लिख गया तो विशेषण वो शब्द, जैसे वह, मैं, यह आदि शब्द जो किसी के विशेषण किसी की अच्छाई अच्छाई बुराई गुण या दोष विशेषण गुण या दोष जो को प्रकट करता है, को प्रकट करता है अच्छाई और बुराई को क्या बता रहा है इसमें? वो शब्द जो किसी की अच्छाई बुराई गुण या दोष को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं, विशेषण नहीं, विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण 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 कहते हैं। आप देखिए इसके उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है किसी की सहायता करना एक अच्छा कार्य है, किसी की सहायता करना एक क्या है? अच्छा कार्य है। तो ये हम उदाहरण लेंगे आप अच्छाई को अच्छाई बुराई एक अच्छा कार्य है तो अच्छा अच्छाई बुराई को प्रकट करता है। प्रकट प्रकट है लिखा इधर काली का बुराई गुण या दोष। अच्छा क्या है सतीश? विशेषण
क्या है? विशेषण। विशेषण है नरेश एक बुरा लड़का है। नरेश जो है वह एक बुरा लड़का है। अभी बताया ना कि अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई उसकी, और गुण या दोष। तो इसमें नरेश एक बुरा लड़का है, तो क्या बुरा क्या है? क्या है विशेषण? फिर है खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा है। क्या है खजूर का जो पेड़ है वो क्या है? मैम थोड़ा सा हट जाइए। बहुत ऊंचा है। हेलो मैम थोड़ा हट जाइए। मैम हट जाइए, थोड़ा हट जाइए, हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए। बता दूं? दिख नहीं रहा है, बता दूं? यस मैम। चलिए देखिए, वह शब्द लिखिए, विशेषण की डेफिनेशन लिखिए, उसकी परिभाषा लिखनी है। वह शब्द जो किसी की अच्छाई बुराई गुण या दोष को प्रकट करता है, दोष को प्रकट करता है, प्रकट करता है, विशेषण कहते हैं। गुण या दोष को प्रकट करता है वो विशेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अथवा विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष अथवा विशेषण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हेलो यस मैम, क्या कहलाते हैं? विशेषण। उदाहरण के लिए अच्छा कार्य, बुरा लड़का, ऊंचा पेड़, वो क्या उसकी ऊंचाई जो है पेड़ की ऊंचाई बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, और सुंदर फूल, सुंदर फूल लिख लिया। यह काला पेन है, मेरा पेन है बाहर लिख गया सबका। Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को जो एग्जाम होंगे आपको क्लास नहीं लगेगी, आज लास्ट क्लास है जून की। अब इसके बाद आप मंडे से अपनी पढ़ाई करिएगा, क्योंकि पेपर होंगे तो पेपर की तैयारी करनी है, उसमें आप लोग निबंध। हम स्कूल कब से खोलेंगे? निबंध और मैम स्कूल कब से खोलेंगे? मैम स्कूल कब से खुल रहा है? अभी नहीं मालूम, ये जानकारी नहीं, जब जानकारी होगी तो बता दी जाएगा आप लोगों को। तो आप उसमें प्रार्थना पत्र, निबंध और विलोम शब्द, विलोम शब्द जानते हैं ना? यस मैम। विलोम शब्द दिन रात और विलोम शब्द में जैसे उसमें लिखा दे रही हूँ आप लोगों को, विलोम शब्द और निबंध देख लीजिएगा, गाय का निबंध, दीपावली का निबंध, कुछ निबंध देख लीजिएगा उसमें, प्रार्थना पत्र और इसमें जो है विलोम शब्द थोड़े से लिखा दे रही हूँ आप लोगों को, देख लीजिएगा। पहले वैसे करा दिया गया है लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। मुहावरे हो गए,
विलोम शब्द क्या होता है बताइए, विलोम शब्द क्या होते हैं? जैसे मैम दिन और रात। हाँ दिन और रात उल्टा। सुबह? यस मैम। शाम। सुबह का क्या होगा? शाम। शाम और दिन? रात। रात, रात। और बताइए और कौन कौन से हैं? अच्छा का बुरा। अच्छा बुरा और काला गोरा। काला छोरा गोरा। गोरा और खूबसूरत और बदसूरत। खूबसूरत और बदसूरत और कौन से होंगे? सुख दुख। और लिंग क्या है, जेंडर क्या है? लड़का लड़का बेटा का बेटी बेटी में क्या है? लिंग पुत्र का पुत्री। लिंग बदलने में क्या है? जैसे मतलब क्या है? धोबी का धोबा। धोबी का धोबा धोबिन। ठीक है। खाट खाट माने खाट का क्या है? लिंग बदलना है इसमें। और क्या करना है? जैसे पुरस्कार का अब विलोम शब्द बताने हैं। पुरस्कार का क्या होता है? दंड। एकता। एकता का विलोम शब्द अनेकता। सज्जन का दुर्जन। ज्ञान ज्ञात अज्ञात। हाँ अज्ञात। गुरु का शिष्य। अब बताइए इसमें गरीब का अमीर। चतुर सतीश। चतुर का क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख। चल अचल। अचल। काला गोरा। चलिए अब इसमें जो है पर्यायवाची शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द yes, जैसे माँ का क्या होगा? जननी। यहाँ पर विलोम शब्द मैंने पर्यायवाची दे दीजिए। एक विलोम शब्द दे दीजिएगा। विलोम शब्द की क्या है? उल्टा। क्या होगा? विलोम शब्द है काला गोरा रात दिन दिन सुबह शाम। शाम वेरी गुड। और क्या होगा मैम? खूबसूरत बहुत। हम छोटा का बड़ा। छोटा और बड़ा। और विलोम शब्द का बताइए। छोटा ज्ञात। ज्ञात का ज्ञात अज्ञात। और चलिए और बताइए सज्जन। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। दुर्जन। देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीत काटी या हम उसे विलोम शब्द कहते हैं। बताया कि उल्टा विपरीत यानी विपरीत यानी क्या होता है? उल्टा।
शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए इसमें ये विलोम शब्द हो गए, इसके बाद हमें पर्यायवाची देखनी है। क्या देखना है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। अब जैसे पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या रहता है? देखिए हिंदी भाषा में एक अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माँ का क्या क्या होगा? माँ का बताइए जल्दी से। जननी माँ, माता जननी माता। माँ का क्या होगा यहाँ देखिए? जननी माता। तो माँ का क्या होगा यहाँ पर? जननी माता। जननी जननी जननी। और क्या होगा? जननी माता। और क्या कहते तुम लोग? मम्मी अम्मा, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ है पिता का। पितृ। पापा। पितृ। जनक। जनक पितृ। बाप। बाप कहते हो? बाप। 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 पापा। और क्या कहते हो? और क्या कहते हो? डैडी कहते हो? पापा। और क्या कहते हो? पापा। पापा। किधन का पर्याय होती है? पुत्री का क्या होगा? बेटी। सुता। सुता बेटी। आत्मजा ठीक है। भाई का, भ्राता, अनुज और बिरादर। ईश्वर का परमेश्वर। बिरादर। और ईश इस भगवान। इसके बाद स्वर्ग का अमर लोक, गोलोक अमर लोक और देवलोक। सूर्य का रवि, भान, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। चंद्रमा का शशि, शशि चंद्रमा, विदु। आकाश का नभ, अंबर, गगन, आसमान। पवन का वायु, समीर, हवा। आग का अग्नि, पावर। जल का पानी और नीर, अंबु। धरती का पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, जमीन। और कमल का नीरज, पंकज, सरोज। लिखवा है बाप सागर रत्नाकर और बोले बाप नदी का क्या? और क्या बोलते हो? पिताजी और क्या बोलते हो? बाप। पर्वत का और गिरी अम्मा। पहाड़। राजा का क्या होता है? सतीश। राजा का वो नरेश और भूपति। इसके बाद घर का भूपति, मकान, भवन, निवास, आवास, गृह। गंगा का भागीरथी और सुरू। नौका का क्या है? अच्छा को नाव। नाव। और नौका का नाव, टर्नी, नैया, पोत। देवता का सुरु, देव, अमर, अजर। गणेश का गणपति, एक दंत और लंबोदर। हाथी का क्या लंबोदर होता है? गज। किसका मैम? नाग। हाथी का हरी। और सिंह का केसरी, नगेर, वनराज और
शेर और सरस्वती का, सरस्वती का क्या होता है नाम? शारदा, विंदा, वाणी, रात का क्या होता है? रजनी, निशा, तमा, रात्रि, और गाय का पेड़, सूरज और गौ, पेड़ का क्या होता है? वृक्ष, तरु, पल्लवी, और तालाब का क्या होता है? ताल, जलाशय और सरोवर। तो अब ये आप लोग अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि अब एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में आप फाइनल की तैयारी करेंगे और उसमें जो है आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर है उसका वाक्यांश रहेगा, उसका अर्थ लिखना रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची और क्या नाम है, प्रार्थना पत्र है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा पेपर हल करना है। ठीक है, ओके बच्चो, यस मैम, नमस्ते, थैंक यू बच्चो, नमस्ते मैम, बाय मैम, नमस्ते।